प्रदेश में महिलाओं पर हो रही उत्पीड़न को लेकर कोरबा के सुभाष चौक में भाजपा महिला मोर्चा ने एक दिवसीय मौन धरना प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा का कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम है। हर दिन प्रदेश में महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर सरकार लगाम लगाए, नहीं तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदेश कार्य समिति सदस्य ज्योति वर्मा, महिला मोर्चा से मनोरमा शर्मा, मंजू सिंह, संजू देवी राजपूत सहित बड़ी संख्या में महिला मोर्चा के सदस्य शामिल हुए। भूपेश सरकार, उनको जगाने के लिए सब बैठे हैं, मौन धरना रखे हैं आज, कि जो उनके राज में अभी हो रहा है महिलाओं के साथ अत्याचार। एक जसपुर की मुखबधिर लड़की है, विकलांग, उसके साथ यह हादसा है, लेकिन उनको कोई कार्रवाई नहीं है। वो अपनी कार्रवाई करे और महिलाओं के लिए विशेष उनको ये करना चाहिए। उनके राज में महिलाओं का ही अपमान क्यों हो रहा है? शासन और प्रशासन एकदम बिना कानून के चल रहे हैं। उनको ध्यान दिलाने के लिए मौन धरना दिए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में मौन धरना प्रदर्शन रखा गया है। जशपुर की दिव्यांग बच्ची जो बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, ऐसी बच्ची के साथ बलात्कार होना अत्यंत निंदनीय कार्य है। ये इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार क्या कर रही है? 5,000 से भी अधिक केस हो चुके हैं। इस छत्तीसगढ़ की बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। 2.5 साल से ये सरकार बैठी है और 5,000 से भी अधिक केस हो जाना बहुत ही अत्यंत निंदनीय कार्य है। भूपेश सरकार सो रही है क्या? आज क्या उनके घर की बच्ची के साथ अगर ऐसा कृत्य होता तो वो हाथ में हाथ धर करके बैठे रहते? इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, महिला मोर्चा निरंतर विरोध प्रदर्शन करती रहेगी जब तक ऐसे अपराधी पकड़ाए नहीं जाएंगे और उन पे कार्यवाही नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में, हम सभी महिला मोर्चा पूर्ण रूप से उनका विरोध करते हैं और तत्काल ये जो कृत्य हो रहा है इस पे कार्यवाही हो उसकी मांग करते हैं। हम लोग यहाँ पर मौन धरना किए हैं। मेन विषय ये है कि जो भूपेश सरकार जो है हमारे राज्य की, वो महिलाओं के प्रति कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि जितना 2.5 साल उनके जो कार्यकाल में हो रहे हैं, अच्छे कार्य के लिए उन्होंने शपथ लिया है और महिलाओं की सुरक्षाएं नहीं कर पा रही हैं। तो इस चीज़ का हम आज महिला मोर्चा खुलकर विरोध कर रही हैं और हमेशा इस चीज़ का हम विरोध करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम हमेशा, हमारी भाजपा महिला मोर्चा हमेशा तत्पर रहेंगी और आगे रहेंगी। आज सुभाष चौक महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मौन धरना प्रदर्शन 12 बजे से 3 बजे तक किया गया है। कारण ये है कि जो आए दिन घटना जो घट रही है बच्चियों के संग, आदिवासी लड़कियों के संग, जो कि यहाँ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बैठी है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। अभी हाल का ही घटना यहाँ पे पाली दीपका के बीच में मानमार गांव है, वहाँ आदिवासी लड़की को बंधक बना के 3 दिनों तक उसके साथ बलात्कार किया, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी जसपुर में जो दिव्यांग लड़की के साथ ये घटना घटी है, इसी के लिए आज पूरे प्रदेश में भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा मौन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट।